नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। खानपुर के धरना परिसर में कॉलेज निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले प्रखंड में व्याप्त जन समस्या को लेकर 25 सूत्री मांगों को लेकर धरना का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता त्रिपुरारी झा ने किया। प्रखंड कार्यालय खानपुर के धरना परिसर में कॉलेज निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले प्रखंड में व्याप्त जन समस्या को लेकर 25 सूत्री मांगों को लेकर धरना का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता त्रिपुरारी झा ने किया। खानपुर प्रखंड में महाविद्यालय का निर्माण किया जाए, प्रखंड में बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना की जाए, प्रखंड में अग्निशामक वाहन की व्यवस्था की जाए, सड़क निर्माण हरिहरपुर खेड़ी बाढ़ चौरीकरण पंचायत में शवदाह गृह का निर्माण, सार्वजनिक जगहों पर शौचालयों का निर्माण, बिशनपुर आभी में टूटे पुल का निर्माण आदि को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें श्याम कांत झा, परवीन झा, अविनाश कुमार झा, मनीष कुमार झा, ननकी महतो आदि लोग उपस्थित थे। इस मौके पर इकट्ठा लोगों ने एचबीएन न्यूज की जमकर सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट एचबीएन न्यूज। धरना दे रहे हैं, किस चीज के लिए धरना दिया जा रहा है? सबसे पहले तो जितने भी मीडिया युवा हैं, सबों को खानपुर की धरती की ओर से, समस्त युवाओं की ओर से, खानपुर की ओर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत। खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि आज हम युवा साथी खानपुर की इस पावन धरती पर प्रखंड स्तरीय सामाजिक मुद्दे हैं 25 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। आपको यह जानकारी होगी, यह 25 सूत्री जो मांग है जन समस्या से जुड़ी है मांग है। हमारे क्षेत्र में बहुत से विभूति यहाँ आए, बहुत से गए, लेकिन अभी भी यह खानपुर की धरती विकासों से घोषित है, विकासों की रोना रो रहा है खानपुर की। मैं बता दूँ कि हर प्रखंड में कहीं ना कहीं आपको डिग्री कॉलेज वितरित हो, जो भी हो, कहीं देखने को मिल रहा है हर प्रखंड में, लेकिन खानपुर की धरती, जिस धरती ने कई विभूतियों को जन्म दिया है, वह उस धरती पे खासकर शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। अभी तक हमारे खानपुर में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, इसके लिए भी हम लोग धरना दे रहे हैं। और साथ ही खानपुर में बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना हो, इसके भी लिए भी हम लोग आवाज़ चाहे बुलंद हो। धरना दिया है, किस उद्देश्य से धरना दिया? अभी त्रिपुरारी जी के द्वारा जो 25 सूत्री मांगे हमारे उन पर विशद चर्चा की गई, जो आपके सामने बना है। तो प्रमुख रूप से ये कॉलेज की बात है, महिला कॉलेज की बात है, सड़क की बात है, शौचालय की बात है। यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें कौन सा मांग कमजोर है। जितनी भी मांगे हैं, जिस पर हमारे तमाम नौजवानों ने बड़ी बड़ी देर तक अपना वक्तव्य दिया है, सब आवश्यक है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि 1 से 25 बिंदु तक जितनी भी मांगे हैं, आप अपने स्तर से इसको हाईलाइट कीजिए, क्योंकि हम लोग पढ़ते रहे, मीडिया जो होते हैं वह देश के चौथे स्तंभ होते हैं। हमें याद है कभी दिनकर जी ने राजनेताओं पर, किसी खास व्यक्ति पर नहीं, राजनेताओं पर व्यंग करते हुए कहा था कि ये अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, जमी बेच देंगे, आसमां बेच देंगे, परंतु कलम के सिपाही, उनका भरोसा मीडिया पर था, कलम के सिपाही अगर सो गए तू वतन के मसीहा वतन बेच। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे एचबीएन न्यूज।